हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए और एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेशर ट्रांसमीटर के आउटपुट सिग्नल की कैलकुलेशन। यानी कि आप देख सकते हो, ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये फिगर में देखिए, यहां पर एक जो कि वाटर टैंक है और टैंक के अंदर कुछ लिक्विड है और टैंक के साथ देखिए एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है और प्रेशर ट्रांसमीटर को देखिए पावर ऑन करने के लिए 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई है और इसके आउटपुट में जो कि डीसीएसी और पिल सिस्टम में आउटपुट सिग्नल इसमें लगा जाता है और इसके बारे में आपको और किसी वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। और सबसे पहले चलिए इसके एग्जांपल के बारे में हम समझते हैं, यानी कि इसमें क्या निकालने के लिए या फिर क्या कैलकुलेशन करने के लिए दिया हुआ है। और ये एग्जाम्पल में देखिए, ये प्रेशर ट्रांसमीटर रेंज इज 0 to 10 bar एंड ट्रांसमीटर वर्किंग आउटपुट सिग्नल बिटवीन 4 to 20 mA। इफ ट्रांसमीटर शोइंग 8 mA, हाउ मच प्रेशर इन द ट्रांसमीटर। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल समझा देता हूँ। देखिए प्रेशर ट्रांसमीटर की रेंज जो है 0 to 10 bar है। अगर ये ट्रांसमीटर की डिस्प्ले में, अगर यानी कि किसी किसी ट्रांसमीटर में जो कि परसेंटेज में वैल्यू शो करता है और किसी किसी ट्रांसमीटर में जो कि 8 mA या फिर 20 mA, यानी कि इसका डिस्प्ले पे मिली एम्पियर शो करता है। और ये जो कि हमारा हार्ट कम्युनिकेटर्स में सेटिंग के वजह से ये हो जाता है और हार्ट कम्युनिकेटर से ये सब सेटिंग करके भी हम ये डिस्प्ले में प्रेशर भी शो करा सकते हैं। और इसके बारे में आपको और किसी वीडियो में पूरा डिटेल्स बता दूंगा। और इस वीडियो में देखिए, जैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर ये ट्रांसमीटर की डिस्प्ले में अगर 8 mA शो कर रहा है तो ये ट्रांसमीटर के अंदर एक्चुअली कितना प्रेशर होगा, यानी कि ये टैंक के अंदर कितना प्रेशर होगा, ये हम कैलकुलेशन करेंगे। और चलिए अभी मैं आपको कैलकुलेशन के फॉर्मूला के बारे में आपको पूरा डिटेल्स बता देता हूँ। और देखिए इसमें गिवन डाटा में पूरा डिटेल्स मैंने लिख रखा हूँ। और चलिए अब इसके बारे में भी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। रेंज आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने आपको बताया, ट्रांसमीटर की रेंज जो कि 0 to 10 bar है और 0 जो है इसका LRV यानी कि लोअर रेंज वैल्यू और 10 जो है इसका ऊपर रेंज वैल्यू है। ओके, और इसी तरह आउटपुट सिग्नल यानी कि ट्रांसमीटर के आउटपुट, यानी कि जितना सारा ट्रांसमीटर होता है जैसे कि फ्लो ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, ये ज़्यादातर मैक्सिमम इसका आउटपुट सिग्नल जो कि 4 to 20 mA होता है। और 4 जो होता है ये आउटपुट सिग्नल की LRV है और 20 mA जो होता है ये भी आउटपुट सिग्नल की जो कि URV है, यानी कि ऊपर रेंज वैल्यू और ये लोअर रेंज वैल्यू है। और ट्रांसमीटर के डिस्प्ले में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 8 mA शो कर रहा है तो ट्रांसमीटर के अंदर की प्रेशर कितना होगा, चलिए मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। और कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, ऑलरेडी देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये एक फ्लो ट्रांसमीटर है और फ्लो ट्रांसमीटर में देखिए पाइप में एक फ्लो ट्रांसमीटर लगा हुआ है और इसका रेंज अगर 0 to 350 LPM है। अगर ये पाइप के थ्रू में हम 204 LPM में अगर लिक्विड फ्लो कराते हैं तो इसका आउटपुट में कितना mA हमें मिलता है, इसके कैलकुलेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। और भी देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो कि हमारा DP टाइप फ्लो ट्रांसमीटर होता है या फिर लेबल ट्रांसमीटर होता है और इसका वेट लेग और ट्रायल लेग की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, ये सब वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप लोगों लिंक पर क्लिक करके वो सब वीडियो आप देख सकते हो। और चलिए फ्रेंड्स, अभी इसके कैलकुलेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका आउटपुट सिग्नल देखिए जो कि mA है और इक्वल टू स्पान x/100% प्लस LRV। और स्पान के कैलकुलेशन और LRV क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। और देखिए आउटपुट सिग्नल हमें देखिए जो कि 8 mA है और आउटपुट सिग्नल के जगह पे देखिए जो कि 8 mA मैंने लिख दिया हूँ और इक्वल टू देखिए फ्रेंड्स जो कि 16 और x/100% प्लस 4। और 16 और 4 के बारे में आपको आगे बताऊंगा। और देखिए x जो होता है ये x इक्वल टू देखिए वेरिएबल इन परसेंटेज, हमें सबसे पहले जो कि x निकालना है। और x निकालने के लिए देखिए जो कि इसे जब हम पलट देंगे यानी कि चेंज हो जाएगा, यानी अगर x अगर ये साइड हो जाएगा तो ये इसका पोजीशन जो कि चेंज हो जाएगा, जैसे कि 8 mA -4 mA /16 mA × 100%। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे हमें जो मिलेगा देखिए x इक्वल टू 25%। और अब भी चलिए ये जो 16 और जो कि 4 के बारे में आपको बता देता हूँ। और देखिए जैसे ही मैंने आपको बताया था जो कि इसका आउटपुट सिग्नल जो कि 4 to 20 mA है, 4 जो है इसका LRV और 20 जो है इसका URV। और स्पान निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, स्पान इक्वल टू देखिए जो कि URV - LRV। और URV कितना है जो कि 20 है और -4 = 16 mA। और 16 mA ये जो है ये स्पान है और स्पान के जगह पे देखिए जो कि मैंने 16 mA यहाँ पे लिख रखा हूँ। और ये जो 4 जो होता है ये जो कि LRV है। ओके, और x इक्वल टू देखिए जो कि 25% मिला है और ये जो कि हमें परसेंटेज में मिला है, अभी हमें जो कि प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे। और इनपुट सिग्नल जो कि बार है, बार जो कि इसका यूनिट है यानी कि इस यूनिट फॉर्मेट में हमें निकालेंगे। और इक्वल टू स्पान x/100% + LRV। और स्पान देखिए जो कि
10 लिख रखा हूँ और इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। और देखिए एक्स के जगह पे जो कि हमें जो कि कितना मिला था, जो कि 25% एक्स के जगह पे मैंने 25% लिख दिया हूँ और डिवाइडेड बाय 100% प्लस 0। और चलिए अब ये 10 और 0 के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने आपको बताया जो कि हमारा ट्रांसमीटर की रेंज जो कि 0 to 10 बार है, और 0 जो है इसका LRV यानी कि लोअर रेंज वैल्यू, और 10 जो है इसका URV यानी कि अपर रेंज वैल्यू। और स्पान निकालने के लिए देखिए ये जो स्पान हम निकाल रहे हैं इसका इनपुट सिग्नल, और मैं आपको बता देना चाहूँगा ट्रांसमीटर की जो कि दो सिग्नल होता है जो कि इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट सिग्नल जो होता है जो कि हम फिजिकल जो भी प्रेशर अप्लाई करते हैं ये जो कि हमारा इनपुट सिग्नल हो जाता है ओके। और इनपुट सिग्नल की स्पान देखिए, स्पान की फॉर्मूला जो कि हमेशा सेम है जो कि URV माइनस LRV है, और URV देखिए जो कि 10 है और माइनस LRV जो कि 0 है, 10 माइनस 0 इक्वल टू 10 बार ओके। और स्पान के जगह पे मैंने 10 लिख दिया हूँ और LRV के जगह पे 0, इसे जब हम सॉल्व करते हैं जो कि 2.5 बार हमें जो कि मिलता है, और ये जो कि इनपुट सिग्नल जो कि हमें कितना मिला है जो कि 2.5 बार। यानी कि देखिए अगर ये ट्रांसमीटर की डिस्प्ले में अगर 8 mA शो करता है तो इसका अंदर की जो प्रेशर होगा या फिर ट्रांसमीटर जिस टैंक के साथ कनेक्ट है इसमें जितना प्रेशर होगा कितना हमें मिला है जो कि 2.5 बार मिला है ओके। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा और किसी वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये कंट्रोल वाल्व के कैलकुलेशन है, और इसका कैलकुलेशन किस तरह करते हैं और जो कि DP टाइप फ्लो ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन किस तरह करते हैं इसके बारे में आपको और किसी वीडियो में पूरा डिटेल्स इसके बारे में समझा दूंगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।